घूमता और बेहद खुशी से थी और जरा कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो यह मानता हूँ इस कीड़ा को पैदा इन्होंने किया है, या निश्चित रूप से यह जो हीरा है समाज का नाम रोशन करेगा और आपने कक्षा शुरुआत किया है। मैं दिल से आपको, आपके सहयोगियों को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कोचिंग संस्थान के संचालन में आपको जहाँ जिस तरह के सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप, आपके बीच हरेंद्र चौधरी खड़ा रहेगा। अमीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोशल ट्रस्ट के बैनर तले आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान की आज हम लोगों के द्वारा विधिवत शुरुआत किया गया है। इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से सभी तबके के जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण जिनके अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, ये वैसे बच्चों के लिए यह कोचिंग संस्थान है कि वैसे गरीब बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटा इस कोचिंग संस्थान के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा शिक्षा दिया जाएगा। मैं, हमारी पूरी शुभकामना है इस संस्थान के प्रति और आज गोपालगंज की धरती पर यह एक अच्छी शुरुआत है कि एक ऐसा कोचिंग संस्थान भी है जिसने इस तरीके की बात को सोचने का काम किया है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए इस आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान की एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छी पहल है। हमारी पूरी शुभकामना इस कोचिंग संस्थान के प्रति है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कोचिंग संस्थान के जो हमारे संचालनकर्ता हैं, रियाज जी हैं और भी जो नौजवान हैं, हमारी पूरी शुभकामना है। आज ये फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल में कार्यक्रम जरूर रखा गया है, लेकिन ये कार्यक्रम का नाम आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर के नाम से है। ये कोचिंग सेंटर 20 मार्च 2021 को हम लोग अपना 13वां वर्षगांठ स्कूल का मना रहे थे, फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल का 13वां वर्षगांठ मना रहे थे और उससे पहले एक ऐसी घटना घटी हमारे साथ कि एक मजदूर से मैंने पूछा था कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसने कहा सर हम 350 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं और 350 रुपये यदि कमाते हैं तो सर बच्चों को क्या करें, खिलाएं कि पढ़ाएं। वो भोजपुरी में कहा था कि सर अपना बच्चन के खिलाएं कि पढ़ाएं। ये बात मेरे को दिल में लग गया और जब दिल में लग गया तो मैंने सोचा कि मैं रियाज अली साहिल खुद एक मैकेनिक का लड़का हूँ, तो मैं जब मेहनत करके एजुकेशन के जरिए यहाँ आ सकता हूँ, किसी विद्यालय का संचालक बन सकता हूँ, किसी ट्रस्ट का सेक्रेटरी बन सकता हूँ, किसी कोचिंग का संस्थापक बन सकता हूँ, तो हमारे छोटे भाई जो कि किसी मैकेनिक के संतान हैं, जो किसी लेबर के संतान हैं, जो किसी मेसन के संतान हैं, जो किसी कारपेंटर के संतान हैं, अर्थात जो लोअर फैमिली में बिलोंग करते हैं, वो भी अगर शिक्षा हासिल करें तो वो भी हमसे ज़्यादा ऊँचा हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उस जो जिस व्यक्ति से हमने पूछा था उससे ये प्रॉमिस किया कि अच्छा चलिए एक महीने के बाद हम आपको ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, और उसी दिन निर्णय लिया कि एक आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए कोचिंग खोलेंगे। तो खोलने के लिए हमने तो कहा और तब हम अपने साथियों से पहले सलाह लिए कि क्या करना चाहिए। ऐसे में मैंने सबसे पहले परामर्श किया अपने भाई मेराज अली साहिल से, उसके बाद हमने परामर्श किया अपने साथी यादव सर से, उसके बाद हमने परामर्श लिया जैकी सर से और उसके बाद हमने परामर्श लिया अविनाश सर से कि हम लोग मिल के कुछ ऐसे असहाय लोगों को पढ़ाई के लिए कुछ करें, और उसी दिन का डिसीजन हम लोगों ने सब लोगों ने मान्य किया और कहा कि यस ऐसा होना चाहिए। और इसमें जितना हाथ मेरा है, मेरे से ज़्यादा हमारे साथियों का है। मैं जैकी यादव, अविनाश और मेराज सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए और हम
इतना आश्वस्त सबको कर दें कि गरीब होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स ने कहा भी है कि गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। उस इस काम को सत्य तभी साबित किया जा सकता है जब हमारे पास एजुकेशन हो, और हमने एजुकेशन को ही चुना। और समाज सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो जिस फील्ड में है उसी फील्ड के जरिए समाज सेवा करने के लिए अग्रसर है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, और ये वादा रहा कि गोपालगंज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम जरूर आगे लेके आएंगे, इसमें कहीं डर दो मत नहीं है, करके दिखाएंगे। जिला में गोपालगंज में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल हैं, मगर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे ट्रस्ट अमीना एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित हो रहा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हम जैसे लोगों को, हमारे लोअर ग्रेड के लोगों को आगे बढ़ा के हमारे से ज्यादा ऊंचा बनाने का मकसद है। बस किस तरीके का कोर्स कराया जाएगा, क्या फीस होगी? सबसे पहले तो यहाँ बेसिक सिलेबस के कोर्सेज कराए जाएंगे, क्योंकि कोरोना के बाद सब लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं, लोगों के पास शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले 7, 8, 9, 10th के बच्चों को सिलेबस वाली पढ़ाई पढ़ा के पहले हम लोग उनको 10th तक बिल्डअप करें, और जो बच्चे तेज हो जाए, बिल्कुल तेज हो जाए, उन्हें कंपटीशन का भी क्लास कराएंगे हम लोग। और उनको स्पेशली आज ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आगे बढ़ना है, तो उस पर हम अग्रसर हैं, लड़कियों को हर तरह से सहयोग करने के लिए रेडी हैं, और दिव्यांग बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन देने का हम सारे साथी लोग ऐलान करते हैं। ऐसे में क्या फीस रखा गया इसके लिए? ऐसे में फीस यही रखा गया, नॉमिनल एकदम रखा गया, 200 रुपए फी, और सारे सब्जेक्ट मैथ साइंस इंग्लिश SST हिंदी सारे सब्जेक्ट 200 रुपए में हम लोग पढ़ाएंगे। वो भी इसलिए कि बच्चों को लगे कि वो पेमेंट दे रहे हैं, नहीं तो मेरी तो इच्छा थी निःशुल्क पढ़ाना, लेकिन किसी का एडवाइस ही था कि कुछ शुल्क जरूर लेना चाहिए। ये सभी बच्चों के लिए है सिर्फ, या सिर्फ गरीब बच्चों के लिए है? इस शिक्षा को तो हम लोग नहीं बांटेंगे कि गरीब बच्चों के लिए कि अमीर बच्चों के लिए, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम टच कर सकें।